आज दिवाली का महापर्व है। आज का दिन जहां कई लोगों के लिए लाभकारी रहता है, तो कई लोगों के लिए ये दिन लाभदायक नहीं रहता, जिसका मुख्य कारण आपकी राशि भी हो सकती है। ऐसे में हम आज अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि आपकी राशि के अनुसार आज आपका दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही आज के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कार्य, धन और अन्य सुख में वृद्धि करेगा। भविष्य के लिए भी लाभ के सौदे हाथ लगेंगे। आपको आपके साथियों के साथ मिलने से निश्चित कार्य समय से पूरा कर सकेंगे। लेकिन वहीं महिलाओं को शारीरिक कमजोरी के कारण रोज होने वाले कामों के अतिरिक्त घर की व्यवस्था सुधारने में परेशानी होगी। साथ ही घर के किसी सदस्य से मतभेद की भी संभावना है। वहीं आज अपनी गलती जानते हुए भी अपनी बात पर अड़े रहेंगे, जिससे आसपास का वातावरण कुछ समय के लिए खराब होगा। तो वहीं व्यवसायिक यात्रा से लाभ हो सकता है और छोटी मोटी बीमारी को छोड़ सेहत सामान्य रहेगी। अब बात करते हैं वृष राशि की। आज वृष राशि वालों को अपनी तेज बुद्धि पर गर्व रहेगा, साथ ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और हर काम को मामूली समझकर बात के लिए टालेंगे, लेकिन आखिरी समय में पूरा करने में दिक्कत आएगी। वहीं सरकारी कामों को लेकर भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। काम धंधा भी पहले से कम रहेगा और जोड़ तोड़ कर ही धन की प्राप्ति हो सकेगी। इससे आज कम समय और परिश्रम से अधिक लाभ कमाने की योजना मन में रहेगी, लेकिन अवसर न मिलने के कारण लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी बातों पर भी नोकझोंक होगी। दिनचर्या लंबा ना रहने से सेहत पर भी सीधा असर पड़ेगा। वहीं बात करें मिथुन राशि वालों की, तो आज का दिन मिथुन राशि वालों को सावधानी से बिताने की सलाह है। दिन के शुरुआत से ही मन में बेवजह क्रोध रहेगा। भाई बहनों में भी किसी न किसी कारण से अनबन बनी रहेगी। काम पर सामान्य दिनचर्या रहते हुए भी किसी से धन को लेकर विवाद होने की संभावना है। साथ ही आज आप वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को भी नजरअंदाज करेंगे, जिसके परिणाम में किसी न किसी रूप में धन और सम्मान में हानि देखनी पड़ेगी। बात करें कर्क राशि की, तो आज के दिन आप रोज होने वाले कामों में व्यस्त रहेंगे और दिनचर्या उत्पटांग रहने से निराश भी होंगे। वहीं दिन तक किसी काम को दिशा न मिलती देख आपको अपनी मेहनत बेकार होती दिखेगी, लेकिन आप परेशान न हो, क्योंकि आज देर से ही सही लाभ आपको जरूर होगा। आर्थिक मामले बाकी कामों की तुलना में ज्यादा उलझेंगे, फिर भी शाम तक धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहीं महिलाओं का मन पूजा पाठ में लगा रहेगा, साथ ही मनोकामना पूरी नहीं होने से उदासी भी रहेगी। अब आते हैं सिंह राशि पर। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए साधारण रहेगा और आज आप अपनी खुद की उलझनों के कारण दूसरे लोगों को परेशान करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि गुप्त बातों को आज परिजनों से भी ना बांटें, क्योंकि आप जिसे अपना दोस्त या खास समझेंगे वही आपका भेद सार्वजनिक करके परेशानी बढ़ाएगा। नौकरी से भी निराशा ही मिलेगी, फिर भी एक दो लाभ कमाने के अवसर जरूर आपको मिलेंगे और इन्हें आप हाथ से ना जाने दें, वरना ज्यादा पाने के चक्कर में इनसे भी हाथ धोना पड़ेगा। तो वहीं पारिवारिक वातावरण में खुद की संतुष्टि की भावना रहेगी और स्वास्थ्य आज के दिन हल्का रहेगा, इसलिए सतर्क रहें। इसके बाद बारी आती है कन्या राशि की। आज के दिन आप अपने हंसी मजाक वाले व्यवहार से आसपास का वातावरण खुशनुमा बनाएंगे। व्यवहार में भी नरमी रहने से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। काम के क्षेत्रों की चुनौतियां कुछ समय के लिए परेशानी में डालेंगी, लेकिन समय पर सहयोग मिलने पर इनसे भी बाहर निकल जाएंगे। वहीं धन संबंधित मामलों को लेकर आज ज्यादा तामझाम में नहीं पड़ेंगे। दोपहर तक लाभ की संभावनाएं ही दिख रही है। तो वहीं महिलाएं अधिक चंचल रहेंगी, साथ ही जुकाम बुखार होने से परेशानी होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। आज का दिन आपकी उम्मीदों के उल्टा रहने वाला है। ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी की सलाह अवश्य लें या आगे के लिए निरस्त करें। जहां से लाभ की उम्मीद लगाए रहेंगे वहां हानि होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र के साथ घरेलू कार्य करते समय सावधानी बरतें। आर्थिक योजनाएं आज किसी न किसी कारण से बीच में ही लटकी रहेंगी। खर्च निकालने के लिए मुश्किलों से काम करना पड़ेगा। और वहीं मित्र रिश्तेदारों से कोई अशुभ समाचार आपके मन की बेचैनी को बढ़ाएगा। साथ ही आज परिजन को बाकी लोगों से मदद की आशा ना रखें, वहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। पहले किए शुभ कामों का फल आज किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ ही आज विरोधी चाहकर भी आपको क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र पर साथ वाले आपसे जलेंगे और जानबूझकर बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। साथ ही धन की कामना समय से थोड़ा देर लेकिन पूरी जरूर होगी और सेहत का भी ख्याल रखें।
अब जानते हैं धनु राशि के बारे में। आज का दिन फलदायक है, लेकिन आज किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बना ले। सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन इसके जगह जल्दबाजी में किया काम केवल हानि ही कराएगा। साथ ही पूजा पाठ का भी सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। नौकरी करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलने से उत्साहित रहेंगे। सरकारी कार्य में आज आलस ना करें, क्योंकि थोड़ी सी भागदौड़ से वो काम पूरा हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। लोन और धन संबंधित कागजी काम आज करना बेहतर रहेगा। परिवार में भी शांति रहेगी, लेकिन महिलाओं का मन आज असंतुष्ट ही रहेगा। साथ ही आज ठंडी चीजों का सेवन करने से बचें। बात करें मकर राशि की, तो आज आपको पहले की हुई किसी गलती का अफसोस होगा, लेकिन गलती मान लेने पर आपसी मतभेद शांत होंगे। घरेलू काम या परिजनों की आवश्यकता सही समय से पूरी होगी। कार्य क्षेत्र से आज लाभ की संभावनाएं कम ही रहेंगी, लेकिन धन की प्राप्ति होने से खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। साथ ही घर का वातावरण अच्छा रहेगा और धार्मिक पूजा पाठ में सम्मिलित होने के अवसर मिलेंगे। विरोधी किसी भी प्रकार से आपकी शांति को भंग नहीं कर पाएंगे, साथ ही सेहत भी अच्छी रहेगी। अब बारी आती है कुंभ राशि की। आज कुंभ राशि वाले दिन भर शारीरिक समस्या से जूझेंगे, साथ ही मौसमी बीमारियों का असर परिवार के सदस्यों को भी प्रभावित करेगा। अव्यवस्था रहने से हर काम देरी से चलेंगे और पूरा होने में भी देरी होगी। कामों से आज ज्यादा उम्मीद नहीं रहेगी और आज पूरा होने वाले काम भी दौड़ धूप की कमी के कारण आगे के लिए निरस्त होंगे। धन संबंधित समस्या नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी बेवजह के खर्च आने से मन दुखी होगा। तो वही महिलाएं चाह कर भी घर को सही रूप से चलाने में असफल रहेंगी और शाम के समय परेशानी बढ़ेगी। आज आप घर या बाहर किसी भी प्रकार के जोखिम से बचें। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज आप अपने व्यवहार से बिगड़े कामों को भी बनाने की क्षमता रखेंगे। मित्र परिजन खराब परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए आपका सहयोग मांगेंगे। वहीं जरूरतमंदों को बेवजह के चक्कर लगवाएंगे। कार्य क्षेत्र पर जिस काम को हाथों में लेंगे, उसमें जरूर सफलता मिलेगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में भी सफल होने की संभावना अधिक है। बेरोजगार लोग आज नौकरी का प्रयास करें, वो अवश्य रोजगार से जुड़ सकते हैं। व्यवसाय में मंदी के बाद भी धन का प्रबंध आवश्यकता के समय कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। और अपना खान पान सही से रखें, नहीं तो सेहत खराब हो सकती है। तो फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट से कुछ जानने को मिला होगा। अगर हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहें JJN News।